मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये आर्थतोप्यद्वयानंदान अतीत द्वैत भानत गुरो नाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। इस सृष्टि में कण कण में चेतन तत्व है, उस परमात्मा से ब्रह्म तत्व से कोई भी जगह खाली नहीं है। जैसे यह एक महाकाश है, ये जो महाकाश है इतना बड़ा आकाश है इससे कोई जगह खाली नहीं है। ऐसी बहुत बड़े आकाश के अंदर एक हमने इतना बड़ा हाल बनाया, तो इतने बड़े हाल के जो दीवाल है उस दीवाल से घिरा हुआ एक आकाश हो गया ना इसी बड़े वाले आकाश के भीतर। तो जो दीवाल से घिर गया आकाश उसको मैं कहूँगा सत्संग हाल का आकाश, मठ का आकाश इतना। अब इस बड़े हाल के अंदर हम 500 छोटा छोटा घड़ा रख दें सजादे में, 1000 छोटे छोटे घड़े रख देवे, तो जितने घड़े हमने रखा कुल्हड़ सुराई रखा इसके भीतर, उसके भीतर भी तो एक आकाश हो गया ना। तो जितना घड़े के भीतर आकाश हुआ 10,000 5,000 हमने रख दिया, उसको घड़े के अंदर के आकाश को हम कहते हैं घटाकाश, कमरे के आकाश को हम कहेंगे मठाकाश, और इन दोनों से जो परे है उसको हम कहते हैं महाकाश। महाकाश ठीक है। ऐसे ही जो शुद्ध तत्व है परम सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व है वो महाकाश के जैसे है। आत्मा परमात्मा भगवान जैसे इतना विशाल व्यापक आकाश है ऐसे ही वो और छोर में सर्वत्र व्याप्त हैं महाकाश के जैसे। तो उन्हीं सच्चिदानंद ब्रह्म के अंतर्गत जो महाकाश के रूप में हैं उनके भीतर ये जो समष्टि अज्ञान है माया का एक दीवाल बना। सवेरे का सत्संग याद रखना, समष्टि अज्ञान माया का एक दीवाल बना और माया की दीवाल से वो उस शुद्ध चेतन ढक गया। जितना ढका उसका नाम दिया हमने ईश्वर। इसको यहाँ पर कहा माया उपहित चेतन समष्टि अज्ञान उपहित चेतन ईश्वर।
ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। फिर अब उस ईश्वर के अंदर अनेक अनेक जीव बने, 84 लाख योनियां बनी, पशु पक्षी देवता गंधर्व मनुष्य तमाम बने। तो ये जितने जीव बने, इन जीव के भीतर भी उसी चेतन का अंश थोड़ा सा आया, तभी चींटी चलती है, तभी कोई जीव काम करता है, हमको दिखाई पड़ता है, मैं हंसता बोलता हूँ, सारे प्राणी क्यों। तो हमारे भीतर जो आकाश आया, उसके भीतर वो जो चेतन का तत्व तो हमने ले लिया, हमको कहा अविद्या उपहित चेतन, ठीक है ना, समझना चाहिए। तो जैसे घड़े का आकाश घटाकाश, कमरे का आकाश मठाकाश, अगर हम घड़े की दीवार को तोड़ देवें और कमरे की दीवार को तोड़ देवें, तो बचा क्या, एक बस, केवल एक आकाश बचता है ना। तो ऐसे ही हम हैं व्यष्टि, जीव है व्यष्टि, जितनी चेतना हमने ग्रहण कर लिया, उसको हमने कहा अज्ञान के कारण हम इतने हो गए अल्पज्ञ असक्त, हमारी कोई सुनता नहीं, ऐसा हम जीव बन गए। और जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, सारे जगत का स्वामी है, वो समष्टि अज्ञान उपहित चेतन। अगर हम अपनी अल्पज्ञता को छोड़ देवें, जैसे दीवाल है ना, तो एक दीवाल हमने बनाई अल्पज्ञता की, ईश्वर की दीवाल बनी सर्वज्ञता की, हमने अल्पज्ञता का दीवाल छोड़ दिया, ईश्वर ने सर्वज्ञता की दीवाल को तोड़ दिया, तो बचा दोनों का मूल तत्व एक तुरीय चैतन्य। उस बात को यहाँ पर सवेरे के प्रसंग में लिया था, तुरीय चैतन्य उसको हम कहते हैं। तो इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानात उपहित चैतन्याभ्याम तप्ताय पिंडवत विव्यक्तम सन महावाक्य स्वाच्यम विव्यक्तम सतलक्ष्यम इति उच्यते। अब जो यहाँ पर उपदेश दिया कि जैसे एक घड़े की दीवार से और एक कमरे की दीवार से, तो घड़े के भीतर कमरे का आकाश नहीं है, समझना, कमरे के आकाश के भीतर सभी घड़े हैं, है ना। उस हाल में अगर 500 आदमी बैठे हैं तो हम कहेंगे हाल के अंदर 500 आदमी हैं, 500 घड़ा रखा है, उस घड़े को हम यहाँ रख देवें और कह देवें इस घड़े में कमरे का आकाश है, तो गलत होगा ना। तो ऐसे हम सारे जीव ईश्वर के अंदर हैं, हम सारे प्राणी जितने हैं परमात्मा के ईश्वर के अंदर हैं, लेकिन ये कहें कि ईश्वर केवल मेरे भीतर है, इस पेड़ में नहीं है, इस गाय में नहीं, तो ये बात ठीक नहीं होगी। हाँ, ये जो दीवाल बन गई, दो दीवाल बन गई, एक जीव की और एक ईश्वर, दोनों दीवाल जब हम ज्ञान से तोड़ते हैं वो शुद्ध चैतन्य तुरी चैतन्य प्राप्त हो जाता है। और जो महाकाश सृष्टि के कण कण में है, भगवान सच्चिदानंद भगवान परमात्मा जगत के कण कण में हैं, तो उनको हम जान क्यों नहीं पाते, मन में एक जिज्ञासा हुई। जब कण कण में है तो यहाँ भी होना चाहिए, कण कण में है तो रुमाल भी होना चाहिए, तो हम उनको जानते क्यों नहीं। कोई चीज जब दूर होती है तो उसको पाने के लिए हमको भागना दौड़ना पड़ता है, जो कण कण में है सर्वत्र है समाया हुआ है, तो उसका अनुभव करने में इतना समय क्यों लगता है, क्या कारण है। तो कहते हैं इसी का नाम है अज्ञान, भूल जाना। ये जो अविद्या है अज्ञान है, अब इसके कई नाम हम ले रहे हैं, अविद्या अज्ञान माया प्रकृति तामा, ये कई नाम हैं। ये जो अज्ञान है ये अज्ञान की दो शक्ति है, अज्ञान की दो शक्ति, अज्ञान दो काम करता है। पहला काम करता है अज्ञान असलियत को छुपाता है, उसका नाम है आवरण, असलियत को ढक लेना। और असलियत को ढक के दूसरा अज्ञान का काम है उल्टा दिखाना, उसका नाम है विक्षेप, विपरीत ज्ञान, आवरण और विक्षेप, ये दो। आप जहाँ जाओगे दुनिया में समस्या होगी, हाँ, आप ये मत समझो कि वहाँ चले जाएंगे तो समस्या नहीं होगी, हरिद्वार चले जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, हम वहाँ के उस भड़बड़ की समस्या से आए तो यहाँ दूसरा तैयार है ना।
हाँ, तो घबराओ मत, इसी इसी के बीच में हमको साधना भजन करना है। आप हाँ, आप जहाँ जाओगे आप सोचो कि हमारे घर में बड़ा खराब है, चलो आश्रम में चलें तो वहाँ बड़ी शांति रहेगी, आश्रम में और मुसीबत होगी कभी। इसलिए बहुत जहाँ हो खूब साधना भजन करो। हाँ, तो सारे संसार में व्यवहार की जगत में यही होता है। तो जो असलियत को ढका उसका नाम आवरण, जो विपरीत दिखाया उसका नाम विक्षेप, इस शास्त्र का नाम है। और इसी के बाद हमारी दुनिया का सारा संसार का काम, भाग दौड़ लड़ाई झगड़ा हा हू सब शुरू हो जाता है। देखो पढ़ते हैं, अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामक शक्तिद्वयम्। ए अज्ञान की दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप। ठीक है, समझा रहे ना। आवरण शक्ति तावद अल्पो अपि मेघो अनेक योजना आयततम आदित्य मंडलम अवलोकयित्री नयन पथ विधायकतया यथा आच्छादयति इव तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्मानम परिच्छिन्न अपरिच्छिन्नम संसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि विधायक तायत आच्छादयत इव तादृशम सामर्थ्यम तदुक्तम। अब एक एक शब्द समझो। आवरण शक्ति, सबसे पहले आवरण शक्ति क्या करती है? तावद अल्पो अपि, बहुत अल्प है आवरण शक्ति, बहुत बड़ी नहीं, अल्प है। लेकिन अल्प होने पर मेघा, दृष्टांत देखो, मेघ माने बादल, मेघ बादल का एक टुकड़ा होता है, बहुत बड़ा बादल नहीं होता, टुकड़ा होता है, बादल का एक टुकड़ा अनेक योजन आयततम आदित्य मंडल, अनेक योजन बहुत बड़ा सूर्य देवता हैं, हमारी पृथ्वी से कई गुना सूर्य देवता बड़े, अनेक योजन आयततम आदित्य मंडलम। हाँ, अवलोकयित्री नयन पथ विधा, हमारी आँख के और सूर्य के बीच में आ गया, तो उस बादल के टुकड़े से हमारी आँख आच्छादयति इव, हमारी आँख ढक गई। तो हमने कहा क्या कि सूर्य देवता को बादल ने ढक लिया, गलत है वैसे। हाँ, अनेक योजन, सूर्य देवता बहुत व्यापक हैं, उनको कोई बादल ढक नहीं सकता, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहे। तो ढका किसको बादल ने? हमारे नजर को ढका, सूर्य देवता को नहीं ढका, बल्कि उसने हमारे नजर को। तो जैसे मेरी नजर के बाद और सूर्य देवता के बीच में बादल का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया, तो इतना बड़ा सूर्य देवता हमको दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि और उस सच्चिदानंद परमात्मा, तीन लोक के स्वामी, दोनों के बीच में हमारी बुद्धि पर एक अज्ञान का पर्दा आ गया। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? तो हमारी बुद्धि के ऊपर अज्ञान का पर्दा आ गया, तो हमको वो परमात्मा सब जगह व्याप्त होते हुए भी दिखाई ही नहीं पड़ रहे। इसका नाम है आवरण। क्यों? क्योंकि उसने हमको छा लिया। ये हस्ता मलकियम का श्लोक है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते कर्म चाति मूढ़ तथा बद्धवत्यो सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। प्रिय श्लोक था मेरा बहुत बार, घनच्छन्न हस्तमलकियम का है, हस्तमलक स्तोत्र का है, भगवान भाष्यकार के शिष्य थे। जैसे वही सिद्धांत है, घनच्छन्न, जैसे बादल का नजर बादल आ गया तो हमको सूर्य देवता नहीं दिखाई पड़ते। ना समझ कहता है सूर्य देवता को बादल ने ढक, ना समझ कहता है, बिल्कुल वैसे ना समझ आदमी कहता है परमात्मा को अज्ञान ने ढक लिया, माया ने परमात्मा को ढक लिया। माया अज्ञान परमात्मा को नहीं ढक सकती, हमारी नज़र पे पर्दा पड़ गया, आवरण। तो देखो अब दूसरा, एक शक्ति आ गई आवरण ढकने वाला, तो अब दूसरी शक्ति काम करती है। हाँ, अनया एव आवरण शक्त्या अवच्छिन्नस्य आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावना अपि संभाव्यते
यथा स्वगान ज्ञान आवृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना। इसी आवरण शक्ति के कारण, ढकने के कारण, जब उस पर्दा के कारण हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने परमात्मा कौन जो आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसको नहीं जाना, तो अपने आप को मान क्या बैठे आप? क्या मान बैठे? मैं करने वाला हूँ, हाय हाय मैं भोगने वाला हूँ, ना जाने क्या हमारे कर्म में लिखा है, आजकल हमारा सब दुख ही दुख होता है, हाँ कोई काम हमारा ठीक ही नहीं हो रहा है, हाय भोक्तृत्व, हाँ देखो मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ सुख, हाय हाय मैं बड़ा सुखी हूँ, मुझको कोई सत्संग महाराज की ज़रूरत नहीं, दुख हम बड़ा दुखी हूँ, चलो महाराज जी के पास, बहुत दुखी हूँ, तो मैं सुखी हूँ मैं दुखी, देखो ये बात है, मैं करने वाला हूँ मैं भोगने वाला हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं, मेरा बहुत मोह है इस चीज़ से, छूना मत इसको, किससे मोह है? अरे महाराज कोई अगर हमारे बेटे को जरा सा एक थप्पड़ मार देवे, चोट किसके लगती है? माता पिता, आप जितना ही, वो तो बेटा तो कम से कम चेतन है, बेटा चेतन है, बच्चों का मन होता, गाड़ी से बड़ी ममता होती नहीं होती क्या? ओ क्या हुआ, हमारा गाड़ी से मोह है, हमारा घर से मोह है, हमारे अपने बच्चों से मोह है, हमारा अपना वस्त्र से मोह है, और इतना ही नहीं हमारा अपने आश्रम से मोह है, कोई हमारा पेड़ तोड़ के देखो बिना मुझसे पूछे, तो अब हमारा कहीं ना कहीं मोह हो गया। देखो मैं करने वाला हूँ, ओ आवरण के कारण, मैं सच्चिदानंद आत्मा, तो अब आवरण आया, अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो अपनी आत्मा जो ब्रह्म है सच्चिदानंद है पर्दे के कारण नहीं जाना, तो फिर हम बांध बैठे मैं करने वाला हूँ मैं भोगने वाला हूँ, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, मेरे मन में मोह है, मेरे मन में ममता है, हाय हाय मेरे मन में देखो राग है, मेरा मन जल रहा है, ये सब का सब जो भीतर आने लगा, संसार भावना अपि संभाव्यते, ये संसार हमारे मन में घुस गया, कैसे? जैसे रस्सी के अज्ञान से हमने उसको सांप समझ लिया, वो दृष्टांत को ले आओ, जैसे कोई रास्ते में ठूंठ होवे सड़क के किनारे, तो अंधेरे में हम उसको समझ ले में कोई आदमी वहाँ बैठा है, तो ये हम समझ लेते हैं, और एक बार अगर भ्रम हो जाए कि कोई आदमी बैठ रहा है, तो देख लो उसका हिलना डुलना दिखाई पड़ेगा, उसका कपड़ा दिखाई पड़ेगा, अब बाद में पता लगे दूसरे दिन देखो तो कपड़ा नहीं था बल्कि उसका पत्ता हिल रहा था ढाक का, ये सब भ्रम होता है, बहुत भ्रम होता है, तो ओ ये जो दूसरा हो गया इसी का नाम है विक्षेप शक्ति, उल्टा दिखाने लगा अपने आप को, आप हो आत्मा, आप हो भगवान के स्वरूप, आप हो आनंद स्वरूप, लेकिन आवरण हो गया नहीं जाना, उल्टा जान लिया मैं करने भोगने वाला हूँ, इसका नाम है विक्षेप। विक्षेप शक्तिस्तु तथा रज्जौ अज्ञानम स्वावृत रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भव यत्यम एवं अज्ञानम अपि स्वावृतात्मनि विक्षेप शक्ति आकाशादि प्रपंच आदि, हाँ प्रपंच इदम उद्भावयति तादृशम सामर्थ्यम तदुक्तम विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडतम जगत सृजयेत इति। अच्छा अब देखो सब हम लोग लगातार चल रहे हैं समष्टि और व्यष्टि में ना, समष्टि व्यष्टि को अलग अलग करके समझाया जा रहा है ना, सदानंद भगवान समझा रहे हैं इसमें, तो व्यष्टि में हमने अपने आत्मा को नहीं जाना आवरण, और आत्मा को नहीं जाना आवरण पड़ा, तो अपने आप को करने वाला भोगने वाला सुखी दुखी मान लिया, इसका नाम हो गया विक्षेप। समष्टि में, समष्टि ब्रह्मांड में वह जो सच्चिदानंद परमात्मा हैं भगवान हैं, उनके ऊपर वो समष्टि अज्ञान आया, समष्टि अज्ञान आया, जब समष्टि अज्ञान आया तो उसका नाम हो गया आवरण, और समष्टि अज्ञान आने के बाद में फिर उससे सारे जगत की उत्पत्ति होने लगी, ये है उसका विक्षेप, या सारे प्रपंच का जो उद्भव है, प्रपंच का जो उद्भव हुआ वही है उसका विक्षेप। कौन?
वह उद्भव क्या, फिर आकाश पैदा हुआ, वायु पैदा हुई, अग्नि पैदा हुआ, जल पैदा हुआ, पेड़ पैदा हो गए, फिर तमाम तरह की वनस्पतियाँ पैदा हो गई, देवता, गंधर्व, दैत्य, राक्षस, ये सब का सब उसका विक्षेप है। क्यों? समष्टि अज्ञान वहाँ पर आया। तो व्यष्टि में और समष्टि में दोनों को समझ, व्यष्टि में आवरण आया तो अपने आप को नहीं जानना, तो विक्षेप हुआ तो अपने आप को करने भोगने वाला मान बैठे, समष्टि में आवरण आया समष्टि अज्ञान तो उसने फिर अपने स्वरूप को छुपाया, और उसके बाद जब विक्षेप वहाँ पर आया तो ये प्रपंच की उत्पत्ति हो गई। यही अज्ञान की दो शक्ति, एक असलियत को ढकना और दूसरा उसको उल्टा दिखाना, ये दोनों काम व्यष्टि में भी और समष्टि में भी। अगला पढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हाँ, शक्ति द्वयवत अज्ञान उपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम स्वउपाधि प्रधानतयो उपादानम चाभवत यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानम चाभवति। कठिन से यह जो दुनिया दिखाई पड़ रही अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसको बनाया किसने, तो हम कहेंगे परमात्मा ने, भगवान ने। सब मम प्रिय मम उपजाए सबते अधिक मनुष्य मोहि भाए, ये सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई, ये सब जगह पर श्रुति सिद्धांत है उसका बनाया, एको हम बहुश्यामा, उसने ऐसा संकल्प किया और सृष्टि को बनाया। तो कैसे बनाया उसने सृष्टि को, ईश्वर ने इस जगत को कैसे बनाया, तो किसी चीज़ को बनाने में दो कारण होता है मुख्य रूप से। एक कारण का नाम है निमित्त कारण और दूसरे का नाम है उपादान कारण। हम अगर घर में बनाते हैं तो जैसे एक आदमी ने मिट्टी को लेके आया और उसको मिट्टी को गूंधा, गूंध करके उसको चाक पर रखा, चाक पर रख करके फिर उसको एक घड़ा बनाया, फिर उसके बाद उसके अंदर हाथ लगाया, ऊपर से पीटा, पीट करके बनाया, फिर आवे में पकाया, तो हम घड़ा लेकर के आए। तो घड़े को बनाया कुम्हार ने, अगर कुम्हार ना होता तो घड़ा हमको ना मिलता। तो घड़े को बनाने वाला जो कुम्हार है उसको हमने कहा निमित्त कारण। निमित्त कारण की खासियत क्या है कि चीज को बना के और उससे अलग हो जाता है, उससे हमेशा जुड़ा नहीं रहता। जैसे रसोई में भोजन बनाओ तो भोजन बनाने के आप निमित्त कारण हो, आपने चावल दाल खिचड़ी सब बनाया और बना करके थाली रख दिया, आप उससे अलग हो, तो उसका हो गए हम निमित्त कारण। तो बनाने वाला होता है, उसका एक शास्त्रीय नाम है, बहुत बार सुनने को आएगा, निमित्त कारण। फिर दूसरा है जो कुम्हार अगर बनाना भी चाहता और उसको मिट्टी ना मिलती तो क्या करता, फिर कैसे बनाता, तो वो मिट्टी जो लाया, जिस मिट्टी को गूंधा, जिस मिट्टी को चाक पे रख के बनाया, घड़ा बन गया, तो घड़े का जो उपादान कारण है उसका नाम है मिट्टी। उपादान कहते हैं वो मिट्टी से जो घड़ा बनाया, घड़े के बनाने में मिट्टी थी, जैसे आपने भोजन बनाया तो चावल दाल से बनाया, तो चावल दाल है उपादान कारण और बनाने वाला है निमित्त कारण, ठीक है ना। तो जिस चीज से हमने घड़ा बनाया तो घड़ा बन गया तो भी मिट्टी उसमें चिपकी हुई है, मिट्टी से अलग नहीं हुआ घड़ा। अगर हमने एक आभूषण बनाया तो सोना उसमें लगा हुआ है और सुनार अलग हो गया, तो सुनार है निमित्त कारण और सोना है उपादान कारण। ऐसे ही ये पूरे जगत में समझना, हर चीज में अगर हमने घर बनाया तो मैं निमित्त कारण हूं और मिट्टी लकड़ी लोहा उपादान कारण है। अब विचार ये आता है कि ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अगर ईश्वर ने इसको बनाया तो ये वो ईश्वर इसका निमित्त कारण है कि उपादान कारण है, है ना। अगर भगवान ने बनाया दुनिया को तो निमित्त कारण है कि उपादान कारण है, एक ने कहा निमित्त कारण है। तो
तो अगर किसी ने कहा निमित्त कारण है, तो जैसे कुम्हार घड़ा बना के अलग बैठ गया, तो आज इस दुनिया में फिर भगवान नहीं होगा। निमित्त कारण माने जो चीज को बना के और उससे अलग हो जावे। तो अगर भगवान निमित्त कारण है, तो सृष्टि को बना के और इससे अलग कहीं हो गए होंगे, तो फिर ऐसी बात तो जमती ही नहीं। अच्छा, दूसरे ने कहा नहीं, भगवान उपादान कारण है, भगवान उपादान है। अरे तो उपादान कारण जड़ होता है, उपादान कारण हमेशा जड़ होता है। चावल जड़ है, दाल जड़ है, मिट्टी जड़ है, सोना जड़ है, वो चेतन नहीं होगा। उपादान कारण हमेशा जड़ होता है, तो अगर वो ईश्वर उपादान कारण है और उनसे सृष्टि बनी, तो ईश्वर हो जाएंगे फिर जड़। जड़ कहते हैं जो ना अपने आप को जाने और ना किसी ही और को जाने। भाई रास्ते में ईंट पड़ी है, ईंट खुद को भी नहीं जान रही है। आप आ रहे हो, वो चेतन नहीं है, नहीं तो चेतन होती तो जान जाती कोई आदमी आ रहा है, टकरा जाएगा। हाँ, वो ईंट बोलती ए बगल 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 बगल, ऐसा नहीं होता ना। तो वो ईंट ना अपने आप को जान रही ना हमको जान रही, तो जड़ है। चेतन जो अपने आप को भी जाने दूसरे को भी जाने, वो चेतन। तो अगर इस सृष्टि को बनाने वाला वो ईश्वर उपादान कारण है, तो उपादान कारण है तो हो जाएगा जड़। इस पर बहुत बड़ा विवाद है और बहुत गंभीर विचार है। आप लोग जरा सा एक बान की लो, ये हम समझ लो कि एक नींव खोद रहे हैं। वेदांसार प्रकरण ग्रंथ है, थोड़ा सा ये नींव है। अब इसके बाद फिर इस पर दीवार बनानी है, गुंबद बनाना है, सजाना है। नींव खोदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बनाने में सजाने में। हाल तो खड़ा हो गया मेरा, छत तो पड़ गई। हमने पूछा कितना होएगा, बोले स्वामी जी जितना छत डालने में होता है, सजाने में भी उतना ही लगता है, श्रृंगार करने में भी ऐसे ही होता है। ये शुरुआती चीज़ है, आप लोग इसको समझना बिल्कुल ध्यान से, कि दो कारण होता है, निमित्त कारण और उपादान। अब इस जो कहता है ईश्वर ने सृष्टि बनाई, तुरंत अगर मैं पूछूंगा ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो निमित्त कारण है कि उपादान कारण? जिसने कहा निमित्त कारण वो भी गलत, जिसने कहा उपादान कारण वो भी गलत। तो क्या हुआ? शक्ति द्वयवत अज्ञान उपहितम चैतन्यम स्व प्रधानतया निमित्तम स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। हाँ, अब ध्यान, वह जो ईश्वर हैं, समझिए, वो ईश्वर अपनी एक उस माया शक्ति को धारण करके सृष्टि को बनाए ना, तो एक उनका अपनी अपनी स्थिति है और दूसरा अपनी उपाधि है। उपाधि माने स्व प्रधानतया और स्व उपाधि प्रधानतया, इन्हीं में देखो स्व प्रधानतया और स्व उपाधि प्रधान। तो ओ ईश्वर अपनी दृष्टि से वो चेतन है, और जब उन्होंने माया शक्ति को धारण कर लिया तो माया जड़ है, तो माया की दृष्टि से वो उपादान कारण है और अपनी दृष्टि से वो निमित्त कारण है। तो ईश्वर को हमने क्या कहा, वो कौन है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी। कैसे? देखो, यह कहते स्वप्रधानतया अपनी उचेतन है। अब इसको एक दृष्टांत से समझो तो समझ जाओगे, दृष्टांत से समझो तो समझो। यहां पर तकत को बिछाया, इस तकत को बिछाने में जो हमारा शरीर काम किया, जो शरीर काम कर रहा है, इस शरीर में एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है, एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण। जो आप सत्संग सुन रहे हो, इसमें एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है। जो मेरे भीतर चेतन है, वो चेतन निमित्त कारण है, और जो कान है सुनने के लिए, ये है उपादान कारण, ठीक है ना है? जब आप चल के आए तो जो चेतन था वो निमित्त कारण, और जो पांव चल करके आया वो था
उपादान, ठीक है ना, स्व प्रधानतया और स्व उपाधि प्रधान, ऐसे जैसे हमारे भीतर है ऐसे ईश्वर के पास, उस वो चेतन है, ईश्वर ईश्वर चेतन है लेकिन माया जड़ है, तो उसने माया शक्ति को, जैसे मैंने पांव को धारण करके चलना शुरू कर दिया, कान को धारण करके सुनना शुरू कर दिया, उसने अपनी माया शक्ति को धारण करके और सृष्टि को जब बनाया तो अपनी दृष्टि से वो चेतन है, माया है जड़, और दोनों को मिलकर के जब बनाया उसने, तो ईश्वर को हमने कहा वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण। कुछ जमा नहीं, कोई दृष्टांत तो बताओ, बिना एग्जाम्पल के आपकी बात जमेगी नहीं। हाँ, तो लूता, लूता कहते मकड़ी, हाँ, मकड़ी जब जाला बनाती है, मकड़ी जब जाला बनाती है तो कहाँ से लाती है मसाला, वो गारा, ईंट गारा कुछ, हाँ, चावल दाल पान, आप तो बनाते हो तो कहीं से लाते हो, मकड़ी बनाती तो कहाँ से बनाती है, हाँ, बनाती तो है ना, बाकायदा मैं देखता हूँ मकड़ी बनाती, मकड़ी चेतन है, जो जाला है वो जड़ है, पक्का जाला जड़ है, मकड़ी चेतन है, वो जाला बनाने के लिए सामान कहाँ से लाई, मटेरियल, बोले अपने भीतर से, चेतन भी है मकड़ी और अपने अंदर से जड़ चीज को निकाल के जाला बनाती है, ठीक है, हाँ, 10 दिन तक उसमें बैठ करके बढ़िया उसने खाया पिया, खाया पिया, उसमें जीव फंसे खाया, एक दिन किसी ने जाले को हिला दिया और वो मकड़ी एक जाला पकड़ के लटकती रह गई, कई बार ऐसा होता है देखना बीच में मकड़ी लटकती रहती घर के, अब गौर से विचार करना, अब वो मकड़ी धीरे धीरे ऊपर उठेगी, ये मैंने देखा है, धीरे धीरे ऊपर उठती है मकड़ी वो जाले के साथ में, तो जब मकड़ी जाले के साथ ऊपर उठती है तो जाला जाता कहाँ है फिर, वो उसको खाती जाती है, हाँ, क्योंकि अब जाला नीचे रह थोड़े जाता है, हाँ, तो वो जाला अपने भीतर से उसने निकाला, अपने काम के लिए उसी में 2-4 दिन रही और जब मौका पाया तो अपने भीतर ही उसको सब समेट लेती है, ऐसे ईश्वर जैसे मकड़ी कहीं से सामान नहीं लाती बनाने के लिए जाला, और खुद बनाती है, स्थित करती है, समेट लेती, वैसे ईश्वर निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी है, अपने भीतर से सृष्टि को बनाए, अपनी मर्जी से जब तक मर्जी हो तब तक चलाए, और जब मर्जी आई तो वो तांडव नृत्य किया, शंकर जी तांडव नृत्य करने पर सब हो जाता है ना, आप तांडव, भगवान आज तांडव नृत्य करना शुरू कर दे में, तो चाहे आप 70 साल के हो चाहे 7 साल को, आपका पुण्य पाप दिखाइए नहीं पड़ता भाई, जब कोई ऊपर उठ जाता है तो उसको नीचे की नाली और कचड़ा नहीं दिखाई पड़ता, आप थोड़ा, हाँ, 15-20 मंजिल की छत पर चले जाओ, हाँ, नीचे जो साइकिल वाला जा रहा होगा इसे लगेगा इतना बड़ा सा, बम्बई में 50-50 मंजिल वाली है, हाँ, इतना बड़ा सा, कौन खराब है कौन अच्छा है, कौन गंदी नाली कौन बढ़िया है, पता ही नहीं, तो वो सबसे ऊपर है तो उसको इतना हमारा नहीं दिखाई पड़ता कि ये गंदा है कि अच्छा है कि बच्चा है ना मरे कि बुढ़ा है मर जाओ ना, वो जब सृष्टि को चाहे तो एक झटके में आँख बंद किए और सबका सब उन्हीं के भीतर, तो उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति, उन्हीं में स्थिति और उन्हीं में सबका सब लय, इसलिए ईश्वर सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान, कैसे वो अपने चेतन से निमित्त कारण है और माया शक्ति को जो धारण कर लिया तो माया उपादान कारण का काम करती है, माया उन्हीं की शक्ति है, दैवी है सा गुणमयी माया दुरत, हाँ हाँ अच्छा सुन, अब अगला प्रसंग देखो, अगला प्रसंग है शायद सृष्टि की उत्पत्ति, अच्छा अच्छा सृष्टि का क्रम, कैसे सृष्टि बनी, आप लोग पढ़ रहे हो गुरुकुल में, हाँ? ये हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ने वाला तरीका है, हाँ? और ये असली चीज़ है, प्रवचन तो हम करते ही करते हैं, खूब करते हैं, हाँ? चल ही रहा है, लेकिन ये मूल चीज़ समझना, थोड़ा कठिन भी लगे तो बहुत कल्याणकारी चीज़ है, एक बार समझ में आ जावे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, समझ में आ जावे, कभी समझ में आ जाएगा तो
मन का सारा शोक मोह समाप्त, अपनी महिमा में हो जाओगे, यही दुनिया में रहोगे। ये नहीं कि कहीं आसमान, ऐसे वस्त्र पहनेंगे इसी दुनिया में रहेंगे, भीतर से अपनी प्रसन्नता होगी, भीतर से हम बदल जाएंगे। कोई अफसर हो जाता है इस तो कोई जो है सींग पूछ नहीं निकल आती, है ना, कोई बड़ा आदमी बन गया तो कोई अब बाहर से कोई चमकदार थोड़े हो गया, शरीर ऐसे होता है लेकिन भीतर से कुछ उसके एक भीतर से परिवर्तन हो गया, हाँ। तो ऐसे ही बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग भी अगर ये सब चीज़ समझ में आ जावे, भगवान की कृपा है महाराज। तमह प्रधान विक्षेप शक्ति मत अज्ञान उपहित चैतन्यात आकाश आकाशाद वायु वायो अग्नि अग्नेराप अद्भ्या पृथ्वी चोत्पद्यते तस्माद् वाये तस्माद् आत्मन आकाश संभूता इत्यादि श्रुते। तमः प्रधान विक्षेप शक्ति, हाँ। अब ईश्वर के साथ में अब हम समष्टि में जा रहे हैं, ईश्वर सारे सृष्टि का है तो समष्टि अपने आप को छोड़, ईश्वर के साथ में उनकी एक माया शक्ति जुड़ी। माया में तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तो ईश्वर ने वो तमोगुण प्रधान वाली शक्ति माया को धारण किया, हाँ, जिसमें तम आगे सत्व और रज पीछे, तब सृष्टि बनी। अगर सत्व आगे होता तो आनंद होता, तो सृष्टि की जरूरत ही ना पड़ती, हाँ। सत्व में आनंद है, सत्वगुण में सुख है, सत्व में अपनी भीतर की मस्ती, तो सत्वगुण प्रधान होता तो सुख होता तो सृष्टि बनाने की जरूरत न पड़ती। रजोगुण अगर होता, रजोगुण होता तो महाराज दुख वाली सृष्टि न बनती, हाय हाय मचाने वाली सृष्टि न बचती। बताओ उसने बनाई और हम सब रो रो के मर रहे हैं, कहा भगवान ने बनाया। एक गाना था ना, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, हाँ। तू बना के वहाँ बैठ गया, हम यहाँ फंस के हाय हाय मचा रहे हैं, क्यों? क्योंकि तमोगुण से बनाया ना उसने। तमा प्रधान विक्षेप शक्ति, यहाँ विक्षेप शक्ति माया शक्ति, ईश्वर माया के तम प्रधान सत्व रज गौण उस शक्ति को धारण किए और फिर सृष्टि का संकल्प किया, तब सृष्टि को बनाना शुरू किया। इसलिए सृष्टि तमस प्रधान है, बिल्कुल। अज्ञान उपहित चैतन्य आकाश, विक्षेप शक्ति मत अज्ञान उपहित चैतन्य, अज्ञान उपहित चैतन्य माने समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य, समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर, वही ईश्वर ने तमह प्रधान शक्ति को धारण किया और फिर संकल्प किया बनाओ, तो सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। देखो ईश्वर, ईश्वर फिर उनके साथ में माया, माया के तीन गुण जिसमें तम प्रधान वाले को धारण किया, तब सृष्टि को बनाना शुरू किया, ठीक है। अब सृष्टि को, इसके बाद आसान है सब समझ, तब सृष्टि को बनाना शुरू किया तो सबसे पहले उसने आकाश को बनाया, ये आकाश बना, अनंत आकाश, आकाश बन गया, आकाश का गुण बन गया शब्द, इसको हम कहते हैं तन्मात्रा, आकाश का गुण बना शब्द। जब आकाश बन गया तो उसको, हाँ, आकाशाद वायु, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये पांच महाभूत सबको रटा है कि नहीं, पांच महाभूत सबको याद है, किसी को ना याद हो? आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, पांच चीज़ों से मिलके हमारा शरीर बना है और सारी दुनिया इन्हीं पांचों से मिलके बना है और कोई छठी चीज़ नहीं है, कोई वैज्ञानिक भी आज तक छठी चीज़ नहीं बना पाए हैं, कुछ नहीं, यहीं से थोड़ा सा ये चीज़ ले लेते हैं, यहीं से थोड़ा सा ये दाना ले लिया, थोड़ा सा ये चीज़ केमिकल ले लिया, मिला करके नई चीज़ बना देते। ये जो चमकने वाला आजकल स्टील बनाया ना, हाँ, लोहे से तो बना होगा, या इसी दुनिया से, यहीं की खदान से लिया, फिर उसको इतना इतना गलाया, इतना गलाया, इतनी बार गलाया कि जो है वो उसका जो अयस्क वाला होगा वो कम हो गया, चमकने लगा, है इसी दुनिया का, अपने पास से कोई नहीं लाता होता, जितना बना हुआ है, जितना जल बना है एक बूंद कम ज़्यादा नहीं कर सकते कोई,
एक बूंद कोई जल का नाश नहीं कर सकता, एक बूंद जल कोई ही बना नहीं सकता, जितना बना है उतना ही है। वही समुद्र का जल जब गर्मी होती है तो भाप बन के ऊपर उठता है, भाप बन के ऊपर उठा वो बादल बना, हवा से बादल चला गया पहाड़ में, पहाड़ में गया वहाँ जा कर के वो बादल बरस गया। जब बादल बरस गया वहाँ पर, वहाँ पहाड़ में दो चार जगह पर ऐसे वैली नुमा है, घाटी नुमा है, वहाँ पानी इकट्ठा हुआ, वो पानी इकट्ठा होके हो गया अंदर पहाड़ के अंदर। जब पहाड़ के अंदर हो गया तो किसी दिन जरा सा जो है जमीन हिली, कोई और घटना हुई तो उसमें से एक स्रोत निकल पड़ा। अरे महाराज बड़े खुश हो गए, देखो देखो ये कौन सा है, सहस्रधारा का स्रोत है, लगाओ पाइप नहाओ, कहीं और का जल नहीं है। वही जल अब वहाँ से नाश नहीं होगा, वहाँ से पानी चलेगा नाले से, नाले से आएगा नदी में, नदी से मिलके फिर से चला जाएगा समुद्र। एक बूंद नया जल बना नहीं सकता, एक बूंद नया जल को कोई मिटा नहीं। आप गरम तवा हो गया खूब, गरम तवे पर जल का छींटा दे दो और नाश नहीं हुआ, वो जल भाप बन करके उड़ गया। एक बार हमने बहुत बड़ी गलती किया, बड़ी देर के बाद में अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखने को, वृंदावन में था, बहुत गर्मी पड़ती है वृंदावन में, भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी, या अपने यहाँ से ज़्यादा पत्थरीला इलाका। स्वामी अखंड जी के आश्रम में था, वामदेव जी महाराज जब थे उस जमाने में, बानवे तरह, तो वहाँ पर वृंदावन में था। बिजली चली गई दोपहर में, कमरा खूब गर्म, हमारे मन में आया पानी भर दे मैं कमरे में तो थोड़ा ठंडा हो गएगा। वो महाराज बाथरूम की टोटी खोली और कमरे में पानी मैंने भर दिया, कमरे में पानी भर दिया, मतलब एक इंची तक पानी भर दिया। जब पानी भर दिया और तख्त पर लेटा महाराज, वो हालत हो गई जैसे स्टीम बाथ जैसे भाप स्नान। हाँ महाराज इतनी बेचैनी हुई कि आधे घंटे के बाद में फिर सब बाल्टी में भर भर के पोंछा लगाया हमने, फिर बाहर जाके बैठे, क्योंकि वो पानी जो कमरे में हमने भर दिया वो गर्मी है ऊपर नीचे तो भाप बनने लगा। जब भाप बनने लगा तो आप तख्त पे लेटे हो तो आपको भाप से जो, तो जैसे स्टीम बाथ जैसे होने लगा। फिर बाद में समझ में आया ये हमने गलती ही किया। अब अपने अनुभव से सीखते रहो तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, ये सृष्टि सिखाती रहती है। तो इस सृष्टि में जितना पांच महाभूत बना, आकाश वायु अग्नि जल, जितनी बन गई थी उतना ही है।